बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव ऐप में महादेव का नाम रखे जाने पर कहा कि महादेव के नाम पर लूटा जा रहा है। वहीं धान खरीदी के मामले में कहा यह मोदी की गारंटी है, जहां कहा कि मोदी की गारंटी में संदेह की कोई संभावना नहीं रहती। हमारे देश में तो करप्शन भी होता है, देश में मामले भी आते हैं, लेकिन पहला बार मैंने सुना हूँ कि महादेव का नाम में भी लूटा जा। अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे, आप हिमंता ऐप नाम दे देता था, कोई जिंतो सिंतो रतन का ऐप बना देते थे, लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को चैलेंज कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना। तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है, मैं यही अपील करता हूँ कि चुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले, चुनाव का बाद तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा। देखिए मोदी जी जो गारंटी देता है ये तो विश्व जानते हैं, अगर मोदी जी एक बार बोल लिया, आज आप देश में यही बात बोलिए, जब पहला चंद्रयान चल नहीं पाया तो मोदी जी ने बोला अगली बार चलेगा, अभी तो चल पड़ा। तो मोदी जी का अभी छत्तीसगढ़ का जो घोषणा पत्र है इसका 90% हम असम मध्य प्रदेश में कर चुका हूँ, ये कोई नया बात बीजेपी के लिए नहीं है। अगर मोदी जी और खास करके जब केंद्रीय गृह मंत्री उन्मोषण करता है मैनिफेस्टो, नरेंद्र मोदी जी का नाम में मोदी जी का गारंटी बोली बोल के उसका बात को संदेह का तो कोई संभावना ही नहीं है। जब नरेंद्र बीजेपी का गारंटी अलग बात है, छत्तीसगढ़ बीजेपी का गारंटी अलग बात है, हेमंत बिस्व शर्मा का गारंटी अलग बात है, जब मोदी का गारंटी हो गया और उसमें कोई डाउट नहीं करता